हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। तो आज का चैनल बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, अभी शासकीय कुछ आदेश आया है स्कूलों में, तो टीचिंग अपडेट्स में एक नए अपडेट्स के साथ आज हम आए हैं, जहां पर आज हम बात करेंगे कि समर कैंप को सक्सेस कैसे किया जाए, समर कैंप के लिए हम कौन कौन सी योजना बना सकते हैं, समर कैंप में को कैसे इनोवेटिव टीचिंग स्टडीज क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस समर कैंप में हम बच्चों को स्कूल के प्रति उनका रुझान कैसे कर सकते हैं और कैसे हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ताकि हमारा समर कैंप सक्सेस हो। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, 21 मई से 31 मई तक समर कैंप सभी विद्यालयों में होना है और सभी बच्चों को स्कूल के प्रति अट्रैक्शन और कम्युनिकेशन गैप ना हो, इसके लिए हमें स्कूल के साथ उनको कनेक्टेड रखना है, इसके लिए हम सभी को समर कैंप करना है। यस, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमको सबसे पहले तो उन बच्चों को क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व करके रखना है ना, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सब चीज़ों में हम उनको इंगेज करके रखेंगे ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। अगर हम शुरू से ही उनको पढ़ाना शुरू कर देंगे, समझाना शुरू कर देंगे, तो बच्चे दूसरे दिन दिखना बंद हो जाएंगे, क्योंकि अभी उनका समय है छुट्टी का और मौज मस्ती करने का, तो उनको फील होना चाहिए कि हम स्कूल में भी उनके साथ इंजॉय हो रहा है, प्लेइंग खेल करवाया जा रहा है, ड्राइंग पेंटिंग करवाया जा रहा है। तो उन बच्चों को आकर्षित करने के लिए हम उनको ड्राइंग पेंटिंग करवा सकते हैं, उनके साथ बैठकर अच्छे से विधिवत व्यवहार करते हुए हम उनके साथ इंगेज होंगे और उनको हम गाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम कौन कौन से डायग्राम बना सकते हैं, उनको हम मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम उनको खेल के लिए भी, उनको इंडोरिक जितने भी गेम हैं उसमें हम उनको संलग्न कर सकते हैं, इंडोरिक गेम खिलवाएंगे और चेस, कैरम बोर्ड और कुछ पजल हम उनको दे सकते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, है ना, जिसमें से कुछ मैथमेटिकल्स भी हो, लेकिन उनको पता नहीं चलना चाहिए कि उनका पढ़ाई भी हो रहा है और वो खेल खेल में एक्टिविटीज़ करते हुए सीख सकते हैं। अगला हम कर सकते हैं कि हम क्लासरूम में उनको ऐसा माहौल दे सकते हैं, एक एनवायरनमेंट दे सकते हैं जहाँ पर वो उनको लगना ही नहीं चाहिए कि वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बल्कि वो कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, कल्चर अवेयरनेस कर सकते हैं, हम वहाँ पे उनको म्यूज़िक सिखा सकते हैं, अगर कोई सिंगिंग करता हो, सिंगिंग में इंटरेस्ट हो, तो उनसे हम गीत गवा सकते हैं और उनको गाने के लिए हम उसको प्रेरित करेंगे, और किसी को अच्छा म्यूज़िक आता है बजाना तो उनको भी हम प्रेरित कर सकते हैं। और भी हम इनोवेटिव स्टडीज टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम उन बच्चों को कुछ अमेजिंग चीज़ों के बारे में बताएं, जैसे जिसमें उनका रुझान हो, जैसे कि हम मल्टीमीडिया का यूज़ कर सकते हैं, मल्टीमीडिया का यूज़ करके हम स्मार्ट बोर्ड में हम उनको दिखा सकते हैं गूगल से, और भी कुछ जो जो बच्चे को ज़्यादा जिज्ञासा हो, हम उन्हें ऐसे इनोवेटिव और प्रेरणात्मक कहानियाँ और कुछ एजुकेशनल जो अच्छी मूवी हैं, कार्टून हैं, उसको हम उन्हें दिखा सकते हैं और अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो डिजिटल टूल्स जो हैं, मल्टीमीडिया, इसको हम यूज़ करके अपने स्टडी को और जो एक्सपीरियंस है, जो इनोवेटिव स्ट्रेटजीज है, इस टेक्निक का यूज़ करके हम बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है स्टीम एजुकेशन, इंटरेस्टिंग आर्ट एंड स्क्रीन्स। इसके साथ ही साथ हम कुछ विज्ञान के चमत्कार, जादू विज्ञान हम उनको प्रयोग दिखा सकते हैं, जिसमें कुछ जादू हो, जैसे कि धुआं निकलना, कलरफुल झाग बनना, या फिर कलर का अचानक चेंज होना, इस तरह से कुछ रासायनिक प्रयोग को हम उनको दिखा सकते हैं और विज्ञान के प्रति उनको आकर्षित कर सकते हैं। कुछ मॉडल हम बना सकते हैं, मॉडल
बना के हम उनको दिखा सकते हैं और उनको भी प्रेरित कर सकते हैं, उनको हम अपने साथ हेल्प करने के लिए कह सकते हैं, हम मॉडल बनाने के लिए हम बैठ जाएं, तैयार हो जाएं और चीज़ों को एकत्रित कर लें, फिर उनको हम शामिल करें और उनको कहें कि आप इसको चिपकाइए यहाँ पर, इसको कलर करना है, यहाँ पर व्हील लगाना है, यहाँ पर मोटर लगाना है, इस तरह से, तो बच्चे एकदम आप देखेंगे कि काफ़ी एनर्जेटिक और हैप्पीनेस के साथ आपको हेल्प करेंगे और इंजॉय भी करेंगे और फिर आपका मॉडल भी तैयार हो जाएगा और उनका साइंस के प्रति रुझान जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा विज्ञान को समझने के लिए या विज्ञान के स्टडी करने के लिए उन्हें काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट जो है, हम उनको लीडरशिप भी सिखा सकते हैं, टीम वर्क कैसे काम करना है, तो टीम वर्क हम उसको बता सकते हैं, उनको ग्रुपिंग में हम किसी को ऐसे ग्रुपिंग में हम उनको बैठा सकते हैं एक साथ और उसमें से किसी को टीम लीडर बना सकते हैं और कुछ भी हम क्रिएटिव वर्क उनको दे सकते हैं और कह सकते हैं कि आप इसे आपको करवाना है और उनमें हम कंपटीशन करवा सकते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इस तरह से ग्रुपिंग कर देंगे और उसके लीडर को भी हम जिम्मेदारी दे सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल उनको बोलेंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस काम को कितना जल्दी कर सकते हैं, या तो आप मॉडल बनाइए या फिर ड्राइंग पेंटिंग कीजिए या फिर मूवी या फिर कुछ राइटिंग, हैंड राइटिंग का भी हम दे सकते हैं, जिसका सबसे अच्छा हैंड राइटिंग होगा हम उसको पुरस्कृत करेंगे, है ना, पेंटिंग जिसका सबसे अच्छा होगा उसको पुरस्कृत करेंगे, इस तरह से हम उस बच्चों को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिंग विथ नेचर, हमको बच्चों को हमेशा नेचर के साथ कनेक्ट करके रखना है, हम प्लांटेशन जहाँ पर वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, अभी गर्मी का दिन है तो उसमें आपको उनमें से जो लीडर है उनको बता देंगे कि आप देखिए इसमें से पौधों को पानी मिला है कि नहीं, उसमें क्या कमी है, आप उसका सर्वे कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं आप जो भी पौधे हैं कहाँ पर क्या कमी है, इसमें पानी मिला है या नहीं मिला है, उसको खाद मिल रहा है कि नहीं, पौधे फ्लावरिंग हो रहा है कि नहीं, या पौधा सूख रहा है, इस तरह से सारी जानकारियाँ कलेक्ट हम करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जितने भी हमारे एजुकेशनल टूल्स हैं उसके बारे में हम बता सकते हैं और लर्निंग का एडवांटेज क्या है इसको हम बता सकते हैं, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक चीज़ें हमारे कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम उन्हें भ्रमण करवा के दिखा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, बैंक, इन सब चीज़ों जगहों पे हम ले जा सकते हैं और उन्हें हम दिखा सकते हैं, तो इस तरह से ये भ्रमण भी हो जाएगा और साथ ही साथ बच्चे समझ पाएंगे कि हमारी सार्वजनिक संपत्तियाँ कौन कौन सी हैं, सार्वजनिक भवन कौन कौन से हैं, जहाँ जो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है, इसको वो समझ सकते हैं। इसके साथ साथ हमको इनको इंगेज करके रखना है क्रिएटिविटी एंड सक्सेस, तो सबसे पहले तो इनको किसी भी क्रिएटिव वर्क में इंगेज करके रखना है ताकि ये उसमें अपना काम करते रहें, जैसे क्रिएटिविटी और इनोवेशन, कोई भी नवाचार हम उनको दे सकते हैं करने के लिए और उसके वो सूची बना सकते हैं या आकर वो बता सकते हैं अपने शिक्षक के साथ, टीचर को बता सकते हैं कि उन्होंने कौन सा इनोवेशन किया है, तो हम उनको कुछ भी एक सब्जेक्ट दे सकते हैं जिस पे वो इनोवेशन कर सकते हैं नवाचार के रूप में, हम जैसे कि कबाड़ से जुगाड़, जो भी प्लास्टिक है सिंगल प्लास्टिक या उन प्लास्टिक को जो टूटे फूटे फेंके हुए प्लास्टिक हैं उनका उपयोग करके भी वो कुछ चीज़ें बना सकते हैं, तो ये हमारे लिए नवाचार और उससे मॉडल भी बना सकते हैं, तो हम उन बच्चों को कह सकते हैं कि आप कलेक्ट कीजिए प्लास्टिक के बॉटल और उससे आप कुछ बनाइए और नहीं बनता है तो टीचर खुद हेल्प कर सकते हैं कि उससे क्या बन सकता है, उनके जो ढक्कन है उससे क्या बन सकता है, उसको कटिंग करके हम कौन सा डिज़ाइन बना सकते हैं या इसका क्या में हम उसको उपयोग कर सकते हैं ताकि वो एक देसी जुगाड़ बन जाए और वो हमारे लिए यूजफुल हो, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम उनके लिए यूजफुल बना सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बोतल है उसको कटिंग करके हम उसको मॉडल में भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ उसे कंटेनर के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं, पोट उसको अच्छा फ्लावर पोट भी बना सकते हैं, तो इस तरह से बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो यूट्यूब से भी मिल सकता है, तो हम वहाँ से भी देखकर हम बच्चों को बता सकते हैं, तो इस तरह से इनोवेटिव आइडियाज़ को सर्च करना है, ढूंढना है और फिर बच्चों के साथ इंगेज हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा,
क्योंकि अभी जो है हमारे लिए जबरदस्त चैलेंज और टास्क है कि समर कैंप को सक्सेस बनाना है। तो समर कैंप को अगर सक्सेस बनाना है तो अभी जो हमने डिस्कस किया इस पर हमको गौर करना होगा और बच्चों को हमेशा इंगेज करना होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपना प्रतिक्रिया भेजकर हमें आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।